माया के ढंग लिए जाने का क्या है? माया द्वारा ठग लिया जाना या माया के ढंग लिए माया का ठग लिया जाना? इस बात से क्या अर्थ है कि जा ठगने ठगनी ठगी, इसका क्या अर्थ है? माया कैसे ठग ली जाती है? जब माया आपको आकर्षित कर रही होती है, उस वक्त जब आप घोर नास्तिकता में डूबे हुए होते हो, जो आपका परम बेवफाई का क्षण होता है, ठीक उस वक्त भी आप आकर्षित उसी से हो रहे होते हो, ठीक उस वक्त भी आप वफादारी उसी से निभा रहे होते हो, बस परोक्ष रूप से। माया यदि यह सोचे कि उसने किसी को परम से विमुख कर दिया है तो पगली है। कोई यदि माया की तरफ भी आकर्षित हो रहा है तो अंततः आकर्षित किसकी ओर हो रहा है? परम की ओर, क्योंकि माया खुद किसकी है? माया खुद किसकी है? तो माया भी इस भ्रम में रह सकती है कि मैंने किसी को परम से विमुख कर दिया, लेकिन जो माया की ओर जा रहा है वो भी जा परम की ओर ही रहा है। कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो तू सीधा मेरे पास आ जा या फिर तू मेरी माया के पास चला जा, पर दोनों ही स्थितियों में आ तू मेरे ही पास रहा है। एक में सीधे सीधे आ रहा है, एक में टेढ़े टेढ़े आ रहा है। एक में सीधा मेरी तरफ आ रहा है और दूसरे में तू लंबा रास्ता लेकर के आ रहा है। अब ये तेरे विवेक पर है कि तुझे कैसे आना है, या तो सीधा आ और मुझ पे समर्पित हो जा या फिर मेरी माया को जा। वहां को भी तब तू जा रहा है तो याद रखना, जा मेरी ओर ही रहा है। या तो सीधे परम की इच्छा कर ले या फिर छोटी 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 वस्तुओं की कामना करता रहे। जब तू छोटे की कामना करेगा तो याद रखना तेरी कामनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तू छोटे की कामना करेगा तो निश्चित सी बात है कि छोटे से बड़े की कामना करनी पड़ेगी, फिर और बड़े की करनी पड़ेगी, फिर और बड़े की करनी पड़ेगी। तू माया की ओर ही जा रहा है। माया की ओर जाएगा तो छोटे से बड़े और बड़े और बड़े और बड़े की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि माया से किसी का पेट भरता नहीं। थोड़ा मिलता है तो और बड़े की उम्मीद और बड़े की इच्छा पैदा हो जाती है। अंततः छोटे से बड़ा और बड़ा, आखिर में अंततः तुझे परम की ही इच्छा करनी पड़ेगी। यानी कि अगर तू माया की ओर भी गया तो अंततः किधर जाना पड़ा तुझे? परम की ओर। क्योंकि माया का अर्थ है छोटे की इच्छा। माया और मोक्ष में इतना ही अंतर है। माया कहती है छोटे की इच्छा से काम चल जाएगा, और मोक्ष कहता है परम की इच्छा के बिना चलेगा नहीं। माया भी अंततः भेजती आपको मोक्ष की ओर ही है, क्योंकि छोटे की ओर जाकर के तुम पाते ये हो कि पेट भरा नहीं। 100 रुपया चाहिए था, मिल गया, पेट भरा नहीं, तो अब 1000 चाहिए, फिर लाख चाहिए, फिर करोड़ चाहिए। अंततः तुम पाते हो कि कोई भी संख्या पूरी नहीं पड़ रही, तो फिर तुम्हें परम संख्या चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो संख्यातीत हो। तो माया की ओर जाकर भी पहुंचोगे वहीं पर, बड़ा लंबा रास्ता है, वो टेढ़ा टेढ़ा है, पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो इसीलिए जो जानकार हैं, होशियार हैं, वो उतना लंबा रास्ता नहीं चुनते। वो कहते हैं माया की ओर नहीं जाएंगे। उन्हें माया से नफरत नहीं है, बस ये जानते हैं कि माया घुमाती बहुत है। पहुंचा तो वहीं देगी जहां जाना है, पहुंचा तो वहीं देगी जहां हमारा स्वभाव है, पहुंचा तो वहीं देगी जहां हम हैं,
और जहां वो परम है, लेकिन बड़ा परेशान कर करके पहुंचाएगी, इतना कौन झेले। हम सीधे ही पहुंच जाते हैं, एक झटके में ही पहुंच जाते हैं, एक समर्पण में ही पहुंच जाते हैं। अरे बात समझ में, ये है माया को ठग लेना। कि माया कोशिश तो करती है तुम्हें विमुख करने की, पर विमुख कर करके भी आखिर में वहीं पहुंचा देती है।